चलो कंपनी रहा क्या देखा था बनने बेसिक बोलो पहले कितने सेक्शंस है कितने चैप्टर्स है कहाँ पे एप्लीकेबल है कंपनी लॉ कंपनी एनी कंपनी फिर उसके बाद बैंकिंग इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी उसका उसको क्या बोलेंगे क्लैश हो रहे को क्या बोलेंगे झगड़ा Inconsistent. If say with me. If the said act is, if the provisions of the said act, provisions यानी कि जो भी उसमें sections में जो भी लिखा हुआ है ना उसके section, subsection, clause में जो भी लिखा है, तो if the provisions of the said act is inconsistent with the respective act, है ना? तब क्या होगा द कंपनी विल फॉलो इट्स रेस्पेक्टिव एक्ट कर लगा तो बोलो वो सेंटेंस क्या है वापस से एक्सेप्शन क्या है हाँ व्हेन द प्रोविजंस हाँ ऑफ द सेड एक्ट या तो ऑफ द कंपनीज एक्ट बेटर ऑफ द कंपनीज एक्ट आर Inconsistent with the provisions of the respective act, then the company will follow its own act, respective act. कर लो, है ना? धीरे-धीरे used to होंगे अपन language से, पर language से used to होना पड़ेगा, ठीक है नहीं? तो अभी चलो, कौन सी company? तुमने बोला company, any company में कौन सी company आएंगी और Any company registered under present act or any other previous companies act, है ना? Then उसके बाद में कौन सा आएगा? Any banking company, insurance or electricity company or any company है? Any other company governed by special act? For the time being in force, यानी वो जो act है वो permanent है क्या? नहीं, वो temporary है. तो any act, any company governed by the special act time being in force, है ना? And any other body corporate, बस कर ला. Body corporate देखने वाले अपन, रुक जाओ. क्या रहता है उसको थोड़ा detail में अपन पढ़ेंगे, ठीक है? Now नेक्स्ट क्या है अपना कंपनी का मीनिंग अब सबसे पहले मेरे को बोलो कंपनी का मीनिंग का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या डेफिनेशन दिया है कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट और सिंपल वापस बोलो क्या है डेफिनेशन इनकॉर्पोरेटेड वर्ड आना है ना फॉर्म्ड वॉर्म्ड कुछ नहीं आएगा उधर क्या आएगा इनकॉर्पोरेटेड वर्ड ही आएगा ठीक है फिर हैनी ने क्या दिया था फीचर्स बोले थे उसके क्या क्या फीचर्स बोले उसने आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ
having separate legal entity with perpetual succession and with justice marshal ne bahut kuch bola chhod do but tum read karke rakhna ab apan ulta jayenge kai ke liye features ke liye hai na sabse pehle kaun sa dekhenge nahi ulta jayenge boli mein ha मतलब बुक में जो दिया है उसका उल्टा जाएंगे तो पहला हम पढ़ने वाले हैं कॉमन सील. कॉमन सील दिव्या के साथ बुक शेयर कर. कॉमन सील का मतलब क्या है? क्या क्या आवाज ही नहीं आ रही? ऑफिशियल ऑफ कंपनी. सो तुमको पता है कंपनी सील क्या है? तुमने देखी है कंपनी का सील? देखा है? कहाँ देखा? ये ऐसा रहता है कॉमन सील. ये दिख रहा है? ये एनग्रेव्ड पेपर के अंदर दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? है ना? ये स्टैंप नहीं, ये वाला नहीं, ये बाजू का नहीं, ये जो दिख रहा है ना एनग्रेव्ड किया हुआ, ये कॉमन सील है ना? सो यू कैन फील इट. ये वाला नहीं, जो बाजू का ब्लैक है ना वो नहीं, उसके बाजू में जो व्हाइट पेपर पे दिया है ना दैट इज कॉमन सील. ब्लैक वाला तो कोई भी बना लेगा. हाँ, छापने वाला तो कोई भी बना लेगा. ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, व्हाइट कोई भी बना लेगा. ये एनग्रेव्ड वाला इट्स डिफिकल्ट टू मेक, है ना? तो ये जो होता है ना, ये एनग्रेव्ड वाला, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन सील. मैंने बोला था ना पेपर पे यू कैन फील कि है कुछ तो ऐसे लिखा हुआ, फिर उसको पेंसिल से खर कर 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 करोगे तो तुमको दिखेगा. ये वो है. हाँ, क्या? तो अब कॉमन सील दिखता कैसे है? वो मशीनरी मशीन ऐसी दिखती है, ठीक है? अभी आजकल ऐसी है, बहुत इजी कर दिया. पहले के जमाने की ना बहुत बड़ी हुआ करती थी. इसमें दिखेगी क्या फोटो अपने को? आजकल तो बहुत आसान कर दिया. पहले वाली ना इतनी बड़ी होती थी वो मशीन, आजकल बहुत छोटी छोटी सी हो गई है. एडवांस टेक्नोलॉजी. तो कॉमन सील क्या है? कॉमन सील कंपनी को जब भी कहीं, देखो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी दिखती है क्या हमको? कल ही पढ़े अपन ने. दिखती है क्या कंपनी हमको? इट इज इनविजिबल एंड इनटैंजिबल, है ना? दिखती नहीं है हमें, बट हम फील कर सकते कंपनी है. तो वो फील कर सकते, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व दिखाना पड़ेगा ना. नहीं तो क्या, डायरेक्टर खुद के मस्त फायदे के लिए
बच्चे भी होते ना उधर से निकलते ना, क्या बोलते कंपनीज निकलने के लिए आ दो, जियो और रिलायंस के बच्चे हो इसलिए इतनी सारी सब्सिडरी निकली है। वो बोलना है बट नॉट ऑल एक्विजिशंस आर अरेंज्ड फोर्स्ड मैरिज है ना, हर अरेंज मैरिज थोड़ी फोर्स्ड मैरिज रहती है। हाँ भाई किसकी बोलता हूँ, घर वालों की, उनको पर पोते चाहिए रहते। देन मैरी और प्रैक्टिस अ लर्न्ड प्रोफेशनल, हेंस अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस। बढ़िया, इतनी चीजें नहीं कर सकता लेकिन स्टिल वो क्या है, एक लीगल पर्सन है। नाउ एज अ कंपनी इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू ह्यूमन एजेंसी वाया इट्स डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर्स कैनॉट कैन कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट एजेंसी, बट दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। वो कैनॉट को कैंसिल करके कैन करो, ठीक है। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो क्या है, उसके एजेंट है ना। जो भी कंपनी का डिसीजन लेता है वो कौन करता है, डायरेक्टर लेता है। तो उसका मैनेजमेंट कौन देखते हैं, डायरेक्टर्स देखते हैं। लेकिन ये डायरेक्टर्स किसके एजेंट नहीं है बोला, मेंबर्स के नहीं है, है ना, मेंबर्स के नहीं है। ये किसके बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के, मेंबर्स के नहीं बनेंगे, ठीक है। देन अ डायरेक्टर कैन आइदर ऑन इट्स ऑन देयर ओन और थ्रू अ कॉमन सील कैन ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट्स। या तो खुद साइन करके, अपन ने देखा ना साइन करके, वो जो भी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो वैलिड हो जाएगा। साइन नहीं करने का तो क्या करेंगे, कंपनी का कॉमन सील लगा देंगे। Hence, company is an artificial person. End of your answer. अगर तुमको राइटिंग रहा तो, MCQ रहा तो टेंशन नहीं है, राइटिंग रहा तो इतना आंसर लिखना पड़ेगा, लॉ का पेपर। अपन अभी राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे अगले वीक से। अब तुमको आंसर रो नहीं रो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत लिखना शुरू करना पड़ेगा ना। और रह गया तो नसीब उल्टा अच्छा है, अरे नहीं क्या अच्छा है, अरे तुम्हारा CBSE में MCQ बहुत इजी थे क्योंकि मैंने पढ़ा क्या फालतू MCQ थे। क्या नहीं कुछ नहीं जाता मेरे को वर्ड्स दिमाग में इसलिए वो फील्ड में नहीं गए अपन, इधर आए चुपचाप। नाउ चलो नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब क्या कैसे लिमिटेड है, पर्सनल प्रॉपर्टी, किसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, मेंबर्स डायरेक्टर्स की, है ना। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने कंपनी को जितना पैसा देने का प्रॉमिस किया था, अगर आपने उतना पैसा दे दिया तो उसके बाद में कंपनी कितने भी क्राइसिस में जाए, कंपनी आपसे एक भी एक्स्ट्रा रुपया ले सकती क्या, है ना। तो वो क्या हुआ, लिमिटेड लायबिलिटी। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ये चीज थी क्या, थी क्या, तो वहां पे क्या होता था, बट होता है ना। तो लिमिटेड लायबिलिटी बोला है, अब लिमिटेड लायबिलिटी लाइबिलिटी, तो देर आर टेक्निकली 4 टाइप्स ऑफ कंपनी, रादर 5। क्या है, पहली कंपनी कौन सी है, कंपनी विथ शेयर कैपिटल, कंपनी
विथ गारंटी, कंपनी विथ विथ शेयर कैपिटल एंड गारंटी, कंपनी विथ अनलिमिटेड, हाँ तो तुमको लिखना थोड़ी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिखना, हाँ तो पढ़ने आता है फिर उत्ती तो पढ़ने लायक हो, पढ़ नहीं पढ़ सकते इतने रीडेबल है वो, चलो प्लीज, कंपनी विथ शेयर कैपिटल, क्लियर दिख रहा है शेयर क्या तुमको टाइगर दिख रहा क्या उधर ऑन शेयर और गारंटी कैपिटल कैसा कैपिटल कंपनी है उसका मतलब क्या होता है ये नॉर्मल टाइप की कंपनी है जो हम लोग दुनिया में देखते है ना जहां पे मैं कंपनी के उसके ऊपर मुझे एक भी रुपया देना है कंपनी को नहीं मतलब कंपनी के पास क्या है शेयर कैपिटल है उसमें क्या गारंटी गारंटी का मतलब क्या है मैं कंपनी के मेंबर बन जाऊंगी लाख रुपए दूंगी लेकिन कब दूंगी सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल दूंगी पैसा दूंगी शेयर फिफ्थ टाइप ऑफ कंपनी सस्पेंस कंपनी विथ सस्पेंस सस्पेंस कंपनी अरे अकाउंट्स आपल्याला कितना दूंगी कितना दूंगी मैं कंपनी को 1 लाख मैंने 1 लाख बोला था ना लेकिन कब द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द गारंटी मतलब दोनों है ना शेयर कैपिटल भी है और गारंटी भी है शेयर कैपिटल भी है और गारंटी भी है तो ये क्या हो गई मतलब शेयर कैपिटल का तो पैसा देने का मैं जितने शेयर्स करूं खरीद रही हूं उतना तो पैसा देना ही है साथ ही साथ वाइंडिंग के टाइम पर मैंने एक्स वाई जेड अमाउंट बोला था वो भी मुझे पे करना पड़ेगा तो दैट इज With guarantee and last type है कौन सा है unlimited इसका मतलब क्या है personal property जाएगा कोई बनाता है नहीं ऐसी company but एक type दिया है तो है कर लो तो देखो अभी क्या बोल रहे हैं अपने को लिमिटेड लाइबिलिटी में तो लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड है द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कंपनी ऑफ व्हिच इट इज अ ही इज अ मेंबर वी नो द कमल इसका क्या है अगर थस इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी द डेट्स ऑफ कंपनी टू इन टोटलिटी डू नॉट बिकम द डेट्स ऑफ द शेयर होल्डर यानी कंपनी की जो भी लाइबिलिटी रहेगी वो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी नहीं रहेगी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम अब यहां पे वैल्यू भी कौन सा बोल रहा है मतलब फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कितना होता है पता है क्या तुमको फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है पता है क्या तुमको 10 रुपए 1 रुपए इतना ही शेयर वैल्यू रहता है और जो हम मार्केट में पे करते हैं वो रहता है उसका मार्केट वैल्यू जैसे
जो हम बिडिंग करते हैं वो मार्केट वैल्यू पे, जैसे पेटीएम के शेयर की रियल वैल्यू एग्जाम्पल के लिए 10 रुपीज ही है, मेरे को नहीं पता रियल वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू उसकी क्या है 10 रुपीज ही है, लेकिन उन्होंने शेयर कितने पे इशू किया लोगों को, 2300, 2400 या 2600 में, ऐसे कुछ तो 2000 तो मेरी मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज 10 रुपी, वो फेस वैल्यू है, लेकिन ये मुझे मार्केट वैल्यू देना पड़ेगा क्या, हाँ वो गुडविल के लिए देते हैं हम, ठीक है वो गुडविल के लिए देते हैं। अब ये जो मार्केट वैल्यू रहती है ना, जो हमने कंपनी ने 10 रुपए के ऊपर जितना भी पैसा कमाया है उसको प्रीमियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब ये प्रीमियम के लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं उसको, उस अकाउंट में ये सारा पैसा कंपनी ट्रांसफर कर देती है, और जिस चीज के लिए उन्होंने ये पैसा लिया है उन चीजों के लिए इसको यूटिलाइज करती है, यानी कंपनी की ये पैसा हर जगह यूज नहीं कर सकते, एक्स वाई जेड चीजों के लिए ही यूज कर सकते है, समझा नहीं समझा तो मत सोचो इतना, सुनो कंपनी है ना, अब ये पेटीएम का एग्जाम्पल लेते हैं, उसका फेस वैल्यू दो वैल्यूज रहते हैं, एक फेस वैल्यू रहता है ठीक है और एक मार्केट वैल्यू रहता है, ठीक है फेस वैल्यू क्या रहता है, जो बुक्स में लिखा होता है, अब तुम अकाउंटिंग करोगे ना कंपनी की तो तुमको फेस वैल्यू पे होगी, कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स एट रुपीज 10 फेस वैल्यू, ऐसा रहेगा कंजर्वेटिव, क्या तुमने पढ़ा है कंपनीज अकाउंट, नहीं ना, तो 8 रुपीज 10 ऐसा बोला है फेस वैल्यू, तो यानी अगर एक कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है तो वो कितना उसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो उसने कैपिटल में कितना अपना फेस किया है, कैपिटल 10,000 × 10 1 लाख, ठीक है अब ये तो फेस वैल्यू हो गया, लेकिन कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी थी 30 रुपीज, तो 20 रुपीज एक्स्ट्रा कमा रही है वो, है ना, तो ये 20 रुपीज क्या बन गया प्रीमियम, क्या बन गया प्रीमियम, है ना, ये 30 रुपीज क्या बन गया प्रीमियम, अब ये जो 20 रुपीज ये 20 रुपीज है, 10 रुपीज क्या है इसमें से फेस वैल्यू और 20 रुपीज क्या है प्रीमियम, तो ये 20 रुपीज कहाँ जाएगा, एक अकाउंट में जाएगा, उस अकाउंट को क्या बोलते सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कर लो बस इतना है, तो हम जो मार्केट में देते हैं ना पैसा वो प्रीमियम का पैसा देते हैं, वो कंपनी का गुडविल रहता है, हम जो मार्केट में खरीदते हैं जैसे एमआरएफ का शेयर 80,000 90,000 का होता है कभी कभी, तो वो 80,000 90,000 फेस वैल्यू नहीं है उसकी, मतलब बुक्स में 80,000 लिख रहे नहीं है वो लोग, बुक में वो 10,000 ही लिख रहे हैं, और बाकी का जो भी एक्स्ट्रा का रुपया है वो क्या है उसका प्रीमियम है, अब ये प्रीमियम कब मिलता है लाइफ में एक ही बार मिलता है कंपनी को, हम बार बार शेयर खरीदते तो कंपनी के अकाउंट में जाता है क्या पैसा, वो तो जो पर्सन से ले रहे हैं उसको जा रहा है, तो कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है ना तभी वो प्रीमियम उत्ता का उत्ता उसको मिलता है, बाकी के टाइम पे हम सिर्फ एक दूसरे में वो एक्सचेंज करते रहते हैं, समझा समझा कर लो, बायबैक करने का रेट कंपनी डिसाइड करती है, तो फिर वो कंपनी के ऊपर कितने बायबैक कर रही है, हाँ ठीक है समझ में आया, तो कंपनी यहाँ पे शेयर्स कितना, हम कंपनी को कितना पैसा देने के लिए लाइबल है टेक्निकली, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वैल्यू, कर लो फेस वैल्यू, हमें पैसा कितना देना है कंपनी को, कंपलसरी कितना पैसा देना है कंपनी को, सिर्फ फेस वैल्यू के उत्ता है ना, बाकी की चीजें तो क्या है प्रीमियम अमाउंट है, कर लो, वो नहीं भी दिया मतलब एक्चुअली टेक्निकली नहीं दिया तो वो एरर्स में जाता है और कंपनी तुमसे वो, अभी के जमाने में तो ये झंझट ही नहीं है, पहले के जमाने में थोड़े ये झंझट रहते थे, क्या हमारी लाइबिलिटी उतनी है मतलब टेक्निकली नहीं देना पड़ना नहीं है, हाँ बस और कुछ नहीं है, समझा समझ गए, अब कंपनी जब तुमको ये कब आता है ना नॉमिनल वैल्यू, जब कंपनी को तुमको तुम्हारे पैसे वापस देने हैं,
तो जब वापस देने, तुमने खरीदा होगा पहले 300 रुपए में, लेकिन कंपनी तुमको कितना पैसा पे करेगी? बुक में जो फेस वैल्यू अमाउंट दी है ना, उतना ही पैसा पे करेगी, समझ रहे हो? हाँ, हम कंपनी के लिए लाइबल कितना है, हमने टेक्निकली कंपनी को कितना देना है, दैट इज नॉमिनल वैल्यू, दैट इज नथिंग बट फेस वैल्यू. हाँ, समझा? समझ में आया? फैन बंद है यहाँ का. समझ में आया पक्का? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? पक्का ना? अब तुमको कंपनीज अकाउंट पढ़ोगे तुम कभी ना कभी लाइफ में. चलो देन, लाइफ में मतलब इंटर में आने चल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे छे, भर भर के स्पीच क्वेश्चन आते एग्जाम में. देन इन नो केस शेयर होल्डर कैन बी आस्क्ड एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स. देन इन केस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द मेंबर आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ अमाउंट ऑफ गारंटीड बाय देम, नॉट टू ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन. और जितना गारंटी के टाइम पे कितना पैसा देना है, जितनी गारंटी दी थी उतना ही, वो भी कब देना है, जब कंपनी कहाँ जा रही है, लिक्विडेशन में जा रही है. लिक्विडेशन इन द सेंस नथिंग बट वाइंडिंग अप. ठीक है, समझा? लास्ट, हाउएवर इफ इट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड एज वेल. कर लो सैंपला इजी. ठीक है, लास्ट आज का, परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? हाँ, है ना? अब जो लोग ने पता है तुमको परपेचुअल सक्सेशन में नहीं गया, सुनो क्वेश्चन. अगर पता है क्या, नहीं है ना, तो सुनो क्वेश्चन और आंसर दो सोच के. अगर जिनको तुमको बताए, तुमको बताया दिव्या, तुमको भी नहीं बताया ना आरती, तुमको बताया थी प्रेजेंट भी थी, जिनको पता है वो लोग नहीं बोलेंगे, जिनको नहीं पता है सिर्फ उनके लिए क्वेश्चन है. रिपीट क्वेश्चन, ये 20 रुपए ना एक कंपनी है, इमेजिन करते हैं ऐसे ऊपर से एक प्लेन जा रहा था, अपने कोई तो दुश्मन था मेरा, प्लेन जा रहा था, उसने बोला 20 रुपए मेरे को मांगता है, मेरे को देगा नहीं जा रहा 20 रुपए को, मैं हारेगा फोड़ देगा. तो अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो हुआ, 20 रुपए हुआ, बोले यहाँ पे आके अपन टेरेस पे था ना, टेरेस पे बॉम्ब डाला, पुट सब मर गए अपन, तुम सब मेंबर्स हो, मैं भी मेंबर हूँ, सब मेंबर है, जितने भी 20 रुपए के मेंबर्स थे ना सब मर गए, सब सब सब. अब 20 रुपए का क्या, कैसे बनेंगे? उसके लिए क्या एक्टर था?